मिस रूना, आप जानती हैं ना कि हमारी एनजीओ के एक और ब्रांच है दिल्ली में भी, वहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ रहा है और मैं चाहती हूँ उस प्रोजेक्ट को आप हैंडल करें। दिल्ली मतलब मेरे बच्चों के करीब, मेरी रूही और मेरा आदि। नहीं नहीं, मैं दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी। रमन एंड निशिता हैव मूव्ड ऑन। मैंने पहले ही उनकी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हैं, मैं वहां वापस नहीं जा सकती। क्या है मिस रूही, आप दिल्ली का नाम सुन के एक्साइटेड नहीं हुई? आई एम सॉरी मैम, मैं दिल्ली नहीं जा सकती। मिस रूही, मुझे लगता है कि आपसे बेटर इस प्रोजेक्ट को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में, उन औरतों के बारे में जिनको आप हेल्प कर सकती हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकती हूँ। अगर मैं कर पाती तो मैं कभी मना नहीं करती। आई कांट डू दिस। मिस रूही, मैं चाहती हूँ आप एक बार सोच लें। ऑफिस नहीं गए? रिंकी तुम्हें क्या हो गया आजकल? क्या हुआ मतलब? देख रिंकी, हम दोनों पति पत्नी होने से पहले दोस्त हैं, और एक दोस्त होने के नाते तुझसे पूछ रहा हूँ क्या हो गया? What is the problem? Excuse me, what do you mean? पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, रोज रात को लेट घर आ रही हो, दारू पीकर आ रही हो, तुम्हें तो होश ही नहीं होती। उस पे लेक्चर शुरू हो गए हैं। तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो मुझे। हाँ छोड़ो मेरा, और ये पति बनकर क्वेश्चंस मत पूछो मुझे। पति हूँ तुम्हारा, कोई पराया नहीं हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। और तुम कब से इतनी गैर जिम्मेदार होगी? What is wrong with you, Rinki? What is wrong with me? मजाक बनके रह गई हूँ सबके सामने। That is what is wrong with me. सारे दोस्तों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं रही। हैसियत? ऐसे कौन से नए दोस्त बन गए हैं तुम्हारे जो तुम्हारी हैसियत गिनते फिरते हैं? नहीं, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें लगता है सब लोग तुम्हारी तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है भाई ने शमित से क्या कहा? भाई ने शमित से ये कहा है कि तुम उनके अंडर काम करते हो, उनके अंडर। एक सेकेंड, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू। मैं उस कंपनी का CEO हूँ, मैं रमन भाई के अंडर ही काम करता हूँ। यू राइट मी, CEO हो तुम, कोई नौकर नहीं हो उस कंपनी के। मिंकी किसने तुम्हें कहा कि मैं नौकर हूँ वहाँ पे? मैं वहाँ काम करता हूँ। एक सेकेंड मीर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है। भाई ने तुम्हें सिर्फ नाम के लिए CEO बनाया है, सबके सामने तुम्हें डांटते हैं, बच्चों की तरह टोकते हैं, इंसल्ट करते हैं, और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम भाई के बारे में इतना अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? क्यों ना बोलूं मैं? हम सब इंडिविजुअल्स नहीं है? जिंदगी भर भाई के पीछे पीछे घूमते रहेंगे हम? ये चाहते हो तो? रिंकी, रमन, रमन भाई तुम्हारे सगे भाई हैं। तुम्हें उनके बारे में जो अनाप शनाप बोलना है तुम बोल सकती हो, यू हैव द राइट। लेकिन मेरे लिए, मेरे वो भाई से बढ़कर है, मेरे सब कुछ है। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, और उनके पीछे भागना, उनके नीचे काम करना, इट्स अ ब्लडी ऑनर फॉर मी, डू यू अंडरस्टैंड? यू नो व्हाट, भाई ये सब जानते हैं, तभी वो तुम्हें ऐसा ट्रीट करते हैं। वो जानते हैं कि तुम अपना मुंह कभी नहीं खोलोगे। लेकिन पता है मीर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम किस टाइप के मर्द हो। शट अप रिंकी, इनफ इज इनफ, और कोई तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। बहुत सुन लिया मैंने, पता नहीं कहां कहां से अपने दिमाग में डालकर लाई हो। अब मेरे मुंह से ऐसा कुछ ना निकल जाए जो मैं नहीं बोलना चाहता। चुपचाप निकल जाओ यहां से, गेट आउट। क्या मजा है भाभी, आपने मूवी मिस कर दी। क्या मूवी थी भाई, और सलमान भाई की एक्टिंग अगर आप देखते ना सिमी, वो सेल्फी वाला गाना, क्या गाना था ना वो। आई नो, सेल्फी ले ले रही यार, इतना हैंडसम लग रहा था सलमान, मैं क्या बताऊं। आई रियली विश काश मैं देख पाती, इतने अपॉइंटमेंट्स थे, इसके कारण सब कैंसिल हो गए थे। सो आई हैड टू। पापा जी और बच्चे कहाँ रह गए? अरे पापा जी वो अंकल के पास गए। भाभी आपने कल रसगुल्ले रखवाए थे एक साइड, इनका क्या करना है? अरे हाँ, ये रिंकी के लिए था, रिंकी को बहुत पसंद है ना रसगुल्ले। मैंने सोचा उसके घर पे जाके देकर आती हूँ, उससे बात भी कर लूँ, पूछू तो है कि नहीं है।
रिंकी फोन क्यों नहीं उठाती है? रिंकी चलो बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे रसगुल्ले तुम्हारे लिए अलग से मैंने निकाल के रखे थे, तुम्हें पसंद है ना? प्लीज भाभी स्टॉप इट, ये अच्छाई का ड्रामा करना बंद कर दीजिए आप। रिंकी क्या हो गया तुम्हें? ओह आई एम सॉरी, आपसे तो इस तरह बात नहीं कर सकते ना, आपसे तो बहुत केयरफुली बात करनी पड़ेगी। क्यों रिंकी क्या हो गया तुझे, इस तरह से ऐसे क्यों बात कर रही है? अरे भाई ने अपनी कंपनी भाभी के नाम पर कर दी, अब भाभी हमारी कंपनी की नई ओनर। रिंकी क्या बकवास कर रही है? एक मिनट, रिंकी क्या हो रहा है? भाई क्या हो रहा है मतलब, आपको भी नहीं पता? आप ही ने तो अपनी कंपनी भाभी के नाम पे की, जबकि उन्हें बिजनेस का बी तक नहीं आता। तो कंपनी मेरी है, मेरी मर्जी, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? आज आपकी कंपनी जिस पोजीशन पे है ना, उसमें मिहिर का बहुत बड़ा हाथ है, सीईओ है वो इस कंपनी का, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर यू, है ना? मिहिर ने इस कंपनी में कितनी मेहनत की, लेकिन आपने उसे साइडलाइन कर दिया। भाई आप शायद भूल गए, आपकी बीवी डेंटिस्ट है, कोई बिजनेस वुमन नहीं, लेकिन क्यों ओनर बना दिया ना उसे? रिंकी स्टॉप इट, ओह माय डियर हस्बैंड, आप भी आगे पीछे पीछे फाइल्स लेकर? हाँ और क्यों चुप रहूं मैं? हाँ मुझे अपने भाई से पूछने का पूरा हक है कि वो ये गलत और अनफेयर डिसीजन क्यों ले रहे हैं। Enough is enough. तुम्हें सुबह समझाया था कि ऑफिस के मामलों में दखलंदाजी मत करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में क्या भर दिया। चलो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। मैं जानती हूँ तुमने मुझे मना किया था, लेकिन मैं ये इनजस्टिस नहीं सहन कर सकती। तुम स्पाइनलेस हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं, मुझमें बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्टॉप इट रिंकी, एनफ इज एनफ। भाभी ठीक कैसे इंसान से शादी कराई आपने मेरी? अगर आप फोर्स नहीं करती ना, तो स्पाइनलेस और डरपोक इंसान से मैं कभी शादी नहीं करती। रिंकी तू कैसी बातें उससे? रिंकी वो बंद रख वरना तेरा भूत और दुकान पे बस। रमन आप शांत रहो प्लीज। अरे क्या शांत रहो, मैं बात करेंगे तभी सही है इसको। अपने पति से अपनी भाभी से कैसे बात करती, भूल गई है? अभी वो गुस्से में, गुस्सा शांत होगा, क्या आप उसे समझ में आएगा ना कि बात का पतंग कर बात बता। छोड़ो दी, क्यों चुप रहूं मैं? ये मेरे मम्मा पापा का घर है, मैं यहाँ जो चाहे कहूंगी और जो चाहे करूंगी। भाई को मेरे हर बात का जवाब देना होगा। नहीं ये मेरा घर है, मैं चलाता हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा इस घर में। तुझे बर्दाश्त से निकल जाए यहाँ से। देखा आप सबने, अब भाई मुझे धमकी दे रहे हैं। इस औरत के लिए वो अपनी सगी बहन को घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। रिंकी प्रबंध नीचे रख रमन, तो इस तरह रिंकी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। ये मेरा घर क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर? आप नहीं जानते क्या करिए, मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। इस तरह मार पिटाई करके हैंडल करेगा? जाने दीजिए पापा, सही कह रहे हैं, ये इनका घर है, क्योंकि घर ये चलाते हैं ना, हमारे इस घर में कोई औकात नहीं है। अभी तो ये जब चाहे हमें थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों रिंकी मुंह बंद करना। एक मिनट, मैं जानना चाहता हूँ कि रिंकी ने ऐसा क्या कह दिया जो तू कह रहा है कि मेरा घर है। क्या तू हमें ये जताना चाहता है तू इस घर का खर्चा उठाता है, तो हम सबको तेरे इशारों पे चलना पड़ेगा। अब आपको क्या हो गया, आप मेरी बात को इतना क्यों घुमा रहे हैं? मेरा मतलब कुछ और था। क्या मतलब था तेरा? पापा प्लीज थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए, आप बात तो समझिए मेरी। अच्छा तो तेरी नजरों में मैं भी ना समझ हो गया, मैं मैच्योरिटी दिखाऊं? तूने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। रमन भाई आप लोग कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं? रमन ऐसे बात मत करो आप प्लीज। रमन अंदर चलिए ना प्लीज। पापा जी आप प्लीज रमन की बात को ऐसे। ये रमन की बात चल रही है ना, तुम बीच में मत बोलो। पापा प्लीज बीवी मेरी। रमन वो तेरी बीवी है तो हम लोग क्या करें? तेरी बीवी के साथ हमें बात करने के लिए तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। पापा जी मैं रमन की तरफ से माफी मांग रही हूँ। रिश्ता तू क्यों सॉरी बोलेगी? अगर तू सॉरी बोलेगी तो रमन साहब को गुस्सा आ जाएगा। अब बेकार में आप बात बढ़ाए, बात कुछ और है, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? चलो प्लीज चलो यहाँ से। अरे मुझे क्यों बोल रही है? पापा से कहो ना
मुझे सुनाने जा रहे हैं? अपनी बेटी से कुछ कहते क्यों नहीं? आपने क्या कहा था पापा, आप अपनी बहू का साइड देते हैं, तो आपकी बेटी आपकी बहू को सुना रही, आप कुछ नहीं कहेंगे? अरे इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था तो आपस में निपट लेते, तू क्या बोला बीच में? मैं बीच में बोलूंगा पापा, अगर रिंकी अपनी भाभी से पूछेगी कि मैंने कंपनी इसके नाम क्यों की तो मेरे पास में बोलेगा हक है, रिंकी ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा तो तू जिस तरह से बात कर रहा है वो ठीक है, अपनी बीवी के सामने अपने बाप के इंसल्ट कर रहा है वो ठीक है, सबके सामने मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है वो ठीक है, ऊपर से ये बता रहा है कि ये तेरा घर है तू खर्चा चलाता है, ये सब सुन के मैं यहाँ रह सकूंगा क्या? ठीक है एक काम कीजिए, आप लोग रहिए मैं चला जाता हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम अपना घर छोड़ के क्यों जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा इशिता पुत्र, ये तुम्हारा घर है, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। नो पापा जी, मेरा मतलब है हमारा घर। नहीं भाभी सही कह रही हैं, ये घर आपका है, सब कुछ आपका है, हमारा कुछ भी नहीं। ऐसे भी शादी के बाद पति पत्नी के हो जाते हैं, बहने भाई दोस्त कोई कुछ भी नहीं रहता। मिहिर ने अपने लाइफ के 15 साल भाई की कंपनी में दे, इतनी मेहनत की, कंपनी को इस पोजीशन तक लेकर आए, छोड़ो मुझे, लेकिन भाई ने क्या किया, मिहिर को एक शेयर तक नहीं दिया। और आप तो भाई की लाइफ में से 1.5 साल पहले आई, लेकिन सब कुछ आपका हो गया। मेरे मम्मा पापा जिन्होंने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया, उनका कुछ भी नहीं। लेकिन मुंह बंद रख, ये सारी आग तूने लगाई है। अमन, तू इस तरह से रिंकी से बात नहीं करेगा। अरे तुझे अपनी कंपनी जिसके नाम से करनी है कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस घर में रहकर अपने भाई बहनों के सामने ये जताएगा कि ये तेरा घर है तो इसका खर्चा उठाता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिंकी की एक बात बुरी लग गई तो तूने उसे घर से बाहर निकलने के लिए बोल दिया, कल को रोमी और सिमी की बात बुरी लगेगी तो उन्हें भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा। हो सकता है हमारी कोई बात गलत लग जाए तो हमें भी घर से बाहर निकालने में कोई देर नहीं करेगा। नहीं पापा जी ऐसा नहीं है। आज तूने जता दिया कि ये घर तेरा है तो इसका खर्चा उठाता है। आरमन पुत्र, जब तक इस घर की डोर मेरे हाथ में थी ये घर हमारा था, पूरा परिवार एक था, जब से तेरे हाथ में जिम्मेदारी आई सिर्फ तेरा हो गया। नहीं रमन पुत्र, नहीं, मैं गलत था, मैं ही सोचा करता था कि मेरा रमन पुत्र बड़ा लायक है, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएगा, अपने बहन भाइयों का बड़े प्यार से ख्याल रखता है, लेकिन नहीं, तू तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए ये सब दिखावा कर रहा था, ये तो मेरा भ्रम था, इतना गलत भ्रम था मेरा, आज तूने मेरा भ्रम तोड़ दिया रमन, मैं तो सोचता था कि तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन नहीं, तूने यह जता दिया कि तेरे लिए हम कोई मायने नहीं रखते, ये घर तेरा है, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। जी, प्लीज आप गलत मत समझिए। हाँ भाभी, हम सब तो बेअकल है ना, समझदार से पापी है, छोड़िए दीदी, मेरा भाई पहले कभी ऐसा नहीं था, ये सब आपकी वजह से हुआ है, इसका बिहेवियर आपकी वजह से चेंज हुआ है, आपके आने से बदल गया है वो, आज आप इस घर की मालकिन है, कंपनी की मालकिन है, हम सब थोड़ी ना मैटर करेंगे, क्यों? जब बुरा समय आया भाई ने आपका फ्यूचर सिक्योर करने की सोची, लेकिन हमारा क्या, मेरे मम्मी पापा का क्या, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा भाई ने? इनके ऐसा नहीं है। क्यों? हाथ मत लगाइए मुझे। मुझे इस घर में किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, खासकर तुझे तो बिल्कुल नहीं। Just stop it. चलो यहां से आप। भाभी, हाँ, दिल को ठंडक पहुंच गई? Are you happy now? रमन, इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? पता आपकी प्रॉब्लम यही है, आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हो और लोग आपको गलत समझते हैं रमन, जबकि आप सबसे सही इंसान हो, आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, फिर क्यों आप ऐसे गुस्से में रिएक्ट करते हो? वो रिंकी, मेरे को पता है कि वो बच्ची है, वो बचपने में कुछ भी बोल देती तो क्या आप उसे कॉम्पिटिशन करोगे? ये हमारा तुम्हारा ये सब क्या है रमन, और आपने उसे घर से निकल जाने के लिए बोला? सब चीजों की जड़ है वो विल, क्या जरूरत थी रमन आपको वो विल बनाने की, और मेरे नाम पे क्यों, मतलब कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है मुझे इस बात का। कहाँ है वो पेपर? उस
पेपर को ही फाड़ देती हूँ मैं। अरे बस करो ये, क्या पेपर फाड़ दूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है सब देख के? घर में सबको लगता है कि मैं सिर्फ उनके बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। जिम्मेदारी है मेरी यार, मम्मी और पापा का ध्यान कौन रखेगा? है कोई घर में जिम्मेदारी लेने लायक? किसके भरोसे छोड़ू? रोमी के? जिंदगी भर से कोई काम नहीं किया, अब जाके जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि सालिका उसके बच्चों को घर ला सके। जो काम करने का जुनून से सर पे सवार है, क्या भरोसा कब तक चलेगा? बच्चा कौन, रिंकी? अरे बच्ची है, देखा ना तुमने? मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम इसलिए किया था, मैं जानता हूं कि जब तक तुम हो मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी। कल को अगर मैं मर भी गया ना तो वो सुखी रहते, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारा नाम की थी। कोई समझने को तैयारी नहीं है? पापा भी हद कर दें, क्या गलत किया मैंने? माँ बाप है मेरी, जिम्मेदारी बनती है मेरी। तुम्हें कल रात को मैंने बताया था ना मीर के लिए मैंने क्या सोचा, इतना कुछ सोच रखा मीर के लिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना खुद का बिजनेस चले, लेकिन नहीं, रिकी को बस मैं शर्म आती कि पैसों ने मेरे भाई बहनों को अंधा कर दिया। यार इनकी में सूझबूझ है, समझ है उसमें? अरे घर परिवार छोड़ो यार, मेरे का दिमाग निकाल देगी वो। हाँ गलत हो गया मैं, अगर कल को सच में मुझे कुछ हो गया तो सोच के भी डर लगता है कि मेरे पास मम्मी और पापा का क्या होगा। मैं समझ पा रही हूँ कि आपने जो किया वो क्यों किया, पर आपको कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती सर, जब मैं मुंबई में था तो जितने पैसे आते थे सैलरी के सारे पापा के अकाउंट में डालता। रोमी तो बच्चा था, नादे में पैसे निकालते गया और सारा काम खाली कर, कल को सारा बिजनेस उसके हाथ में सौंप दिया और फिर उसे हो गया। तो सबको ऐसा लगता है कि मैं उनके बारे में सोचता नहीं, जो कुछ कर रहा हूँ उनके लिए तो कर रहा हूँ यार। वो है कौन मेरा? रिंकी लड़ रही है मुझसे, वो आवाज करने जान छिड़क सकता हूँ उस पर। इसी तरह मैं सबको उनका हक दूंगा, लेकिन उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास तो हो। जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि रोमी सचमुच जिम्मेदारी लेने लायक हो गया, सब कुछ उसी का गया। सिमी बच्ची जो समझता है वो भी अंदर से इतनी टूटी हुई है, तो मम्मी और पापा का ध्यान कौन रखे? पापा भी समझते नहीं है यार, पूरी बात सुनते नहीं, और मेरी एक छोटी सी बात को लेकर बैठ गए। और मैं जानता हूं ना पापा को, ये बात यहां खत्म नहीं होगी, बहुत आगे तक जाएगी। इसलिए मुझे बात समझ नहीं आती, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते के साथ माँ बाप उसकी परवरिश के लिए पैसे जुटाने में लग जाते, उसको पालना पोसना बड़ा करना पढ़ाई करना शादी करवाना सब कुछ। तो अगर बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे के बारे में सोचे तो क्या गलत की? माँ बाप को समझ में क्यों नहीं आता कि बच्चों का भी फर्ज है? बच्चे समझते हैं उनका फर्ज क्या है यार, एक छोटी सी बात को लेकर। रमन, हम दोनों करेंगे अपने परिवार को सिक्योर मिलके, अकेले मुझसे नहीं होगा कभी कुछ। आई नीड यू रमन। अभी जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। जानता हूं गलत हुआ यार, मेरी बात सुनने का मौका दिया पापा, बोलने तक नहीं दिया। आप लोग बता भी प्लीज, वेरी सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। पापा को कितना बुरा लगा होगा, मैं भी पागल होना यार, गुस्से में बोल देता हूँ, सोचता नहीं हूँ, लेकिन पापा को भी समझना चाहिए ना कि बेटा हूँ उनका यार, जानते हैं मुझे मैं कैसा हूँ। मैं भी
अब सब ठीक हो जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।